पाएगी। इस कपड़े को लेना है, फिनिश करना है। अमेरिकन भुट्टा आया है भाई आपके शहर, आपके गांव झांसी मौसम में। क्या भैया मुंह कैसा बना लिया था आपने? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये मेरा झांसी महोत्सव का ब्लॉग पार्ट 2 है। इस ब्लॉग में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मैंने महोत्सव से क्या क्या खरीदा। तो सबसे पहले मैंने कप लेने से शुरुआत की, जो कि देखिए आप बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर डिजाइन के मिल रहे हैं। और इसमें मैंने एक मैजिक क्लॉथ लिया जिसका डेमो आप देख सकते हैं। खाना बनाते हो, तेल चटके सोस हल्दी मिर्ची के साथ गिर जाते हैं। खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल फर्श पर गंदी। नॉर्मल कपड़ा यूज करेंगे, गंदगी फैल जाएगी, उठ नहीं पाएगी। इस कपड़े को लेना है, फिनिश करना है। सारी गंदगी धूल मिट्टी छिटाक पर कपड़े के ऊपर, कपड़ा कितना भी खराब हो जाए बिगर साबुन बिगर सर्फ के नॉर्मल पानी में सारी गंदगी छोड़ देगा। मुझे ये कपड़ा काफी यूजफुल लगा तो मैंने इसको खरीद लिया। फिर आ गए हम लोग झूले के पास, जहाँ पर बच्चे सबसे पहले रेंजर झूले पर बैठे। ये झूला 5 साल से ऊपर के सभी बच्चों के लिए था। इस झूले पर बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। झांसी महोत्सव में इस बार ये नया झूला लगा था जिस पर बच्चे बैठने की जिद कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने दोनों छोटे बच्चों को इस झूले पर भी झुलाया। देखिए शाम के टाइम महोत्सव का कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर खाने पीने की भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है और झूलों पर भी देखिए भीड़ बढ़ती ही जा रही है। क्या भैया मुंह कैसा बना लिया था आपने? अरे अमेरिका भुट्टा इधर आ भाई, आ भाई, बड़े आगे बड़े बड़े। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहले पहुंच जाए।